आज मैं जिस भाई को फॉलो कर रहा हूँ ना, वो लाखों का माल अपनी गाड़ी में रख के चलता है। ओह नो, आज तो बचना मुश्किल है। सर गाड़ी में कुछ है, ब्रीथिंग हो रहा है। गाड़ी में क्या है इस गाड़ी में? चेक कराओ गाड़ी में क्या। फोन है गाड़ी में और कुछ नहीं है। चेक कराओ, देखो ये क्या, एक दो तीन चार, इनके फोन्स तो खत्म ही नहीं हो रहे। होंगे भी नहीं, क्योंकि ये है इंडिया के लार्जेस्ट फोन कलेक्टर जयेश काले फ्रॉम थाने, जिनके पास 3,000 से भी ज्यादा मोबाइल फोन्स हैं। जयेश को मोबाइल कलेक्ट करने का चस्का तब लगा जब वो कॉलेज में थे और उनके हाथ से उनका फोन गिर गया था। मैं भाग भाग के गया, उसे देखा तो इट वॉज इन पीसेस। बैटरी विटरी डाली तो सरप्राइजिंगली फोन परफेक्टली चालू था। और तब से मैं जब भी नया फोन लेने जाता था तो मैंने कभी एक्सचेंज में कोई फोन दिया नहीं। और बाद में सडनली मैंने एक बॉक्स में देखा तो 20-30 फोन थे। तब मुझे ऐसा लगा कि ये तो कलेक्शन है यार, चलो फोन कलेक्ट करते हैं। मतलब आसमान से गिरे और दिमाग में अटके। और जयेश के दिमाग में फोन कलेक्शन का आइडिया ऐसे अटक गया कि उन्होंने कलेक्टर्स ग्रुप, वेबसाइट्स और कई अलग अलग सोर्सेस से पुराने मोबाइल्स खरीदना शुरू कर दिया। तब से अब तक वो अपने कलेक्शन पर 20 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च कर चुके हैं। OMG! वैसे दुनिया में वायरलेस फोन्स की हिस्ट्री शुरू हुई थी 1908 में, जब US ने केंटकी में वायरलेस टेलीफोन का पेटेंट इशू किया था। जबकि मार्केट में पहला मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था 1983 में, मोटोरोला डायनाटैक्स 8000X। ये फोन लगभग 1 फुट लंबा था, इसकी बैटरी लाइफ 30 मिनट्स थी और इसकी कीमत थी $4,000। OMG! वैसे जयेश के इस विशाल कलेक्शन में भी सेल फोन हिस्ट्री की झलक देखने को मिलती है। लेकिन आपके कलेक्शन में कोई हटके फोन्स हैं कि नहीं? बहुत ही यूनिक पतला फोन है, लिपस्टिक की तरह है। ये बहुत ही रेयर फोन है क्योंकि इसमें लिमिटेड मॉडल्स आए थे लैमोर सीरीज करके। अब आप सोचेंगे कि इस पे नंबर्स कहाँ पे, फोन कैसे करेंगे? तो ये रोटरी डायल ऐसा है, गोल घुमा के इसमें नंबर्स डायल करने पड़ते हैं। और इसमें कैमरा भी है। OMG! लिपस्टिक फोन ही नहीं, इनके पास तो पाउडर फोन भी है। मैंने वाइफ को बोला कि तेरे लिए गिफ्ट लाया हो, उसको लगा कॉम्पैक्ट है, बट जब उसने खोल के देखा तो कॉम्पैक्ट के साथ फोन भी निकला, क्योंकि इसमें मिरर है तो मेकअप करके फोन भी कर सकती है मुझे। सरप्राइजिंग बात ये है कि ये सारे फोन्स आज भी चकाचक वर्किंग कंडीशन में हैं। कैसे कर लेते हो यार ये सब जयेश? मैं हर दिन एक एक फोन यूज करना ट्राई करता हूँ ताकि वो फोन की लाइफ सेल बढ़े। वैसे जयेश अपने फोन्स का खजाना रखते कहाँ है? ये क्या है, टेबल के नीचे? रसोड़े में कौन था, फोन था। बच्चे के कबर्ड में और बेड के अंदर भी फोन है। भाई ये तो बड़ा रिस्की मामला है, बीवी ने कभी डांटा नहीं? पहले मेरे कबर्ड में भी बहुत सारे फोन रहते थे, मैंने उनको बोला एक तो फोन रहेगा नहीं तो आप रहोगे यहाँ पे, फिर यू टेक अ कॉल और सारे मोबाइल हटा दो मेरे यहाँ से। मेरी वाइफ को लगता है कि मेरा कलेक्शन स्टॉप हो गया है, पर उसे पता नहीं आई एम एबल टू कोप अप एंड हाइड थिंग्स। हाँ भाई, रिस्क है तो इश्क है, इसलिए आज जयेश का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लार्जेस्ट फोन कलेक्शन के लिए दर्ज है और इनका अगला टारगेट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो ये टारगेट भी जरूर अचीव करेंगे। जयेश के पैशन और उनके #awesome कलेक्शन के लिए कहना तो बनता है बॉस, OMG!